नमस्कार बच्चों, बेटा पिछली क्लास तो अपनी आई थी, हमने उसमें पढ़ा था प्रदिश विश्लेषण होता क्या। इस प्रदिश विश्लेषण को पढ़ने इस प्रदिश विश्लेषण में हमने पढ़ा था कि प्रदिश राशियां क्या होती है। जो अपनी प्रदिश राशियां होती है, होती क्या है, कैसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं परिमाण के साथ दो या दो से अधिक दिशाओं की आवश्यकता होती है। एक तो परिमाण हो गया, वो परिमाण के साथ साथ दो या दो से अधिक दिशाओं की क्या होती है, आवश्यकता होती है, वो क्या कहलाती है, प्रदिश राशियां कहलाती है। इन प्रदिश राशियों को हमने दो भागों में बांटा था, एक था प्रतिचर प्रदिश, एक तो था प्रतिचर प्रदिश, और प्रतिचर प्रदिश के अलावा जो दूसरा था वो था अपना सहचर प्रदिश। एक प्रतिचर प्रदिश और दूसरा सहचर प्रदिश, ठीक है। प्रतिचर जो प्रदिश होता है इसको मूर्धांक के द्वारा हमने व्यक्त किया था। मूर्धांक का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, सुपर स्क्रिप्ट, मतलब इसमें जो मान लिखोगे वो कहां पर लिखोगे, ऊपर की तरफ लिखोगे। और जो सहचर प्रदिश था इसको किसके द्वारा व्यक्त किया था हमने, पादांक के द्वारा व्यक्त किया। और पादांक को हमने किसे लिखा, सब स्क्रिप्ट से, मतलब जहां पर अगर अपने पास ऊपर का मान है, अगर हमने लिखा ए बार पी यानी कि ऊपर की तरफ इसको प्रदर्शित किया है तो ये कौन सा होगा, प्रतिचर प्रदिश। अगर मैं करता हूं ए बार पी नीचे आ गया इस बार अपने पास, मतलब इसको पादांक से हमने प्रदर्शित किया है तो ये कौन सा होगा, सहचर प्रदिश। इतना हमने पढ़ लिया था बेटा पिछली क्लास में। अब अपने पास एक होता है मिश्रित प्रदिश, कौन सा होता है, एक मिश्रित प्रदिश। अब देखो समझो मिश्रित प्रदेश होता है, मिश्रित का मतलब बेटा क्या होता है, मिश्रण। और मिश्रण में किस प्रदेश का मिश्रण होगा, और हमने कितने प्रदेश पढ़े हैं, दो, एक तो है प्रतिचर और दूसरा है सहचर। यदि प्रतिचर और सहचर प्रदेश को आपस में मिला दिया जाए, मिश्रित कर दिया जाए तो कौन सा प्रदेश बनता है बेटा अपना, वो बनता है मिश्रित प्रदिश बनता है, ठीक है। अब देखो मिश्रित प्रदिश में एक तो प्रतिचर होगा और दूसरा क्या होगा, सहचर होगा, मतलब प्रतिचर भी होगा और सहचर भी होगा। अगर हम बात करते हैं प्रतिचर प्रदिश में, तो प्रतिचर प्रदिश को मूर्धांक से और इसको पादांक से यानी कि सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट से व्यक्त करते हैं। तो मिश्रित प्रदिश में अपने पास सुपर स्क्रिप्ट भी आएगी और कौन सी आएगी, सब स्क्रिप्ट भी आएगी, मतलब मूर्धांक भी आएगा और पादांक भी आएगा। मतलब एक तरफ तो ऊपर तो मूर्धांक आया तो नीचे क्या आएगा, पादांक, दोनों आएंगे एक साथ। इसका मतलब बेटा जो मिश्रित प्रदिश होता है इसकी जो आपकी कोटि होती है वो कम से कम दो होती है। शुरुआत इसकी कहां से होगी, दो से। लेकिन प्रतिचर में तो हमने प्रतिचर की प्रथम कोटि से शुरुआत की थी और सहचर की भी किससे की थी, प्रथम कोटि से शुरुआत की थी। लेकिन मिश्रित के अंदर अपना इसकी प्रथम कोटि और इसकी, मतलब दोनों आपस में जुड़ेंगे तो इसकी शुरुआत कहां से होगी, द्वितीय कोटि से इसकी शुरुआत होती है। बेटा द्वितीय कोटि में देखो होता क्या है इसके लिए, तो द्वितीय कोटि में देखो इसको, इसकी जो अपने पास समीकरण होगी या कोटि निकालेंगे, द्वितीय कोटि में निकालेंगे। द्वितीय कोटि के लिए क्या करोगे, देखो मैंने लिखा अपने पास ए बार पी, ये क्या हो गया प्रतिचर, क्योंकि मैंने मूर्धांक के रूप में लिखा है। अब नीचे आएगा क्यू, ये क्या हो गया सहचर, क्योंकि किसके रूप में लिखा है, पादांक के रूप में। ये पूरा क्या है, ये है मिश्रित प्रदिश, क्या हो गया मिश्रित प्रदिश। इसको लिखोगे कैसे बेटा, देखो डेल एक्स बार पी अपोन में क्या आएगा अपने पास, डेल एक्स एल हो गया, ऊपर वाले के लिए याद है मान दो, डेल एक्स एम अपोन में क्या आएगा, डो डेल एक्स बार डो क्या आएगा बेटा अपने पास, जो मान आएगा पी के लिए क्या था एल और क्यू के लिए कितना था, ये प्रतिचर प्रदिश हो गया, ये सहचर प्रदिश हो गया और ये दोनों एक साथ, ये होती है इसकी द्वितीय कोटि का, मतलब प्रदिश की द्वितीय अभिक्रिया। अगर हम उच्च कोटि की बात करते, उच्च का मतलब कि और भी ज्यादा अपने पास होगा, तो उच्च के लिए देखो बेटा जो आपके पास एन भीमी आकाश की कोटि होती है वो पांच होती है। कितनी होती है, उच्च के लिए
हमेशा एन भीमी आकाश की कोटि 5 होती है, मतलब मान आपके पास कितने प्रदिश प्रतिचर और सहचर होंगे, 5 होंगे। तो कैसे लिखोगे, देखो 5 कोटि के लिए आया ए बार, पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, 3 तो कौन से हो गए प्रतिचर और 2 कौन से हो गए सहचर, हो गई 5 कोटि। तो इसको कैसे प्रदर्शित करोगे बेटा, प्रतिचर के लिए आएगा डेल एक्स बार पी अपॉन में डेल एक्स एल हो गया। आगे क्या करोगे, क्या आई से ले लो, अपने पास ज्यादा होगा इसको आई डोट, डेल एक्स बार क्यू अपॉन में क्या आएगा डेल एक्स जे डोट, डेल एक्स बार आर अपॉन में क्या आएगा डेल एक्स के हो गए। 3 कौन से हो गए अपने प्रतिचर वाले दर्शा दिए। अब नंबर किसका आएगा सहचर का, तो सहचर के कैसे दर्शाओगे, तो ये आएगा डेल, अपने पास एस को दर्शाना है तो एस के लिए क्या आएगा, देखो डेल एक्स एल अपोन में डेल एक्स बार एस, क्योंकि ये इसका उल्टा होता है, प्रतिचर का उल्टा हमेशा सहचर का उल्टा दर्शा दिया। आगे क्या आएगा डेल एक्स एम अपोन में डेल एक्स बार टी, सारे के सारे हो गए। आगे क्या लिखोगे, आगे आएगा ए के रूप में मान आएगा, तो देखो P Q R के लिए मान ऊपर वाले आएंगे और S और T के लिए मान कहां पे आएंगे नीचे वाले, क्यों, क्योंकि भाई P Q R सारे के सारे क्या है प्रतिचर प्रदिश है और अपने पास और कौन बच गए S और T, ये दोनों कौन से प्रदिश हैं सहचर प्रदिश है। तो क्या आएगा ऊपर वाला मान आएगा I J K और नीचे क्या आएगा बेटा L और ये होती है उच्च कोटि, किसके लिए मिश्रित प्रदिश की उच्च कोटि, दोनों हो गए अपने। देखो प्रतिचर और सहचर में हमने प्रथम कोटि पढ़ी थी, द्वितीय कोटि पढ़ी थी और लास्ट में उच्च कोटि पढ़ी, लेकिन मिश्रित की शुरुआत 2 से होती है, मतलब द्वितीय कोटि से होती है, क्यों, क्योंकि मिश्रित के अंदर अपना एक प्रतिचर होता है और एक सहचर, दोनों मिलकर मिश्रित का निर्माण करते हैं, इसलिए इसकी कोटि 200 से होती है। ये हो गया बेटा, अगर हमें प्रदिश की कोटि ज्ञात करनी, क्या ज्ञात करनी है प्रदिश की कोटि, तो देखो प्रदिश की कोटि हम कैसे ज्ञात करें, इसको सुन, प्रदिश की कोटि जो प्रदिश की कोटि होती है, तो अगर बात की जाए प्रदिश के ऊपर जो सूचकांक लगे होते हैं उन सूचकांकों की जो संख्या होती है वो प्रदिश की कोटि होती है। सूचकांक का मतलब देखो कैसे, मैं लिखा ए के ऊपर लिखा पी, ए बार पी ये प्रदिश, इसके ऊपर पी लिखा हुआ है, ये P क्या है कोटि को प्रदर्शित करेगा, P कितना है बेटा केवल एक ही पद आया है तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी 1 हो गई, ठीक है। अगर मैं लिखता हूं A बार P Q तो इसकी कोटि कितनी हो गई 2 हो गई, ठीक है। अगर मैं लिखता हूं A बार P Q R यानी कि ये हो गया मिश्रित प्रदिश, मिश्रित प्रदिश और मिश्रित प्रदिश की इसकी कोटि कितनी होगी 1 2 और ये हो गया 3, इसकी कोटि कितनी होगी बेटा 3, ठीक है। अगर इसी प्रकार और लिखता हूं ए बार पी क्यू आर एस और टी, क्या लिखा है ए बार पी क्यू आर एस और टी, तो बेटा इसकी कोटि क्या होगी 1 2 3 4 और 5 कितनी होगी इसकी कोटि 5 होगी, ठीक है। मतलब जो इस प्रदिशों के ऊपर जो सूचकांक होते हैं इनकी जो संख्या होती है वो प्रदिश की क्या कहलाती है कोटि कहलाती है, ये तो हो गया। अगर मान लो बेटा सूचकांक समान हो जाए कि भाई ऊपर जैसे बी क्यू है तो नीचे भी क्यू आ जाए, ऐसी स्थिति में क्या हो, अगर बेटा ऊपर प्रतिचर और सहचर के सूचकांक आपस में समान होते हैं तो उसको बोलते हैं मूक सूचकांक, कौन सा सूचकांक बोलते हैं उसको मूक सूचकांक बोलते हैं। अब देखो मूक सूचकांक में होता क्या है कि ऊपर प्रतिचर और सहचर के सूचकांक आपस में समान हो जाए तो वो कहलाता है मूक सूचकांक, और मूक सूचकांक में उस कोटि को छोड़ गिना नहीं जाता जो समान होती है। जैसे कैसे, अगर लिखा है अपने पास ए बार पी क्यू आर अपॉन में आर एस, देखो ये आर और ये आर दोनों कैसी है समान है, तो ऊपर वाले तो गिने जाएंगे लेकिन नीचे वाले समान कोटि के कारण एक भी नहीं गिने जाएंगे, तो यहां पर क्या आ जाएगा कोटि कितनी हो जाएगी इसकी 1 2 और 3 केवल की हो जाएगी, नीचे वाला मतलब केवल प्रतिचर वाले गिने जाएंगे, मूर्धांक गिने जाएंगे, पादांक सारे क्या होंगे छोड़ दिए जाएंगे। जैसे ए बार एल एम एन और नीचे आ गया
एस एल ओके। अब यहां पे देखो बेटा एम ये भी है और एम ये भी है, मतलब ये मुख सूचकांक हो गया और मुख सूचकांक में क्या करोगे, नीचे की कोटि आपकी खत्म हो जाएगी, केवल ऊपर की बची एक दो तीन। इस प्रकार से हम प्रदिश की क्या निकालते हैं, कोटि निकालते हैं। अब प्रदिश की कोटि के बाद जो अपना अगला टॉपिक आता है वो आता है प्रदिशों की संक्रियाएं। प्रदिशों की संक्रियाओं में मतलब क्या अपना कि प्रदिशों को जोड़ा कैसे जाता है, प्रदिशों को घटाया कैसे जाता है, उनके गुणा कैसे किए जाते हैं, उनके भाग कैसे किए जाते हैं। तो अब पढ़ेंगे प्रदिशों की संक्रियाएं, और प्रदिशों की संक्रियाओं में जो अपनी पहली है वो है योग संक्रिया। कौन सी अपनी पहली, योग संक्रिया। तो बेटा देखो योग प्रदिशों के लिए योग संक्रिया होती क्या, ठीक है। नंबर एक पर आएगा योग संक्रिया। योग संक्रिया में क्या होगा बेटा कि अगर अपने पास दो प्रदिश हैं, उन दोनों प्रदिशों की कोटियां कैसी है, समान है। कि दोनों प्रदिशों की कोटि आपस में समान है, इसके अलावा उनके जो मान है, परिमाण वाले मान है, वो भी आपस में कैसे हैं, समान है, तो उनको आपस में जोड़ा जा सकता है। कैसे, विमान अपने पास है ए, यहां पर है पी क्यू आर, ए पी क्यू आर प्लस में बी, इसकी कोटि भी कितनी है, पी क्यू आर, मतलब दोनों की कोटियां देख लो कैसी है, समान। तो ये आपस में जुड़ेंगे और एक नए प्रदिश का निर्माण करेंगे, और उस नए प्रदिश की कोटि भी क्या होगी, पी क्यू आर। तो अगर दो प्रदिशों की कोटियां आपस में समान है तो उनको जोड़कर एक नए प्रदिश का निर्माण होता है, और उस नए प्रदिश के लिए जो कोटि होती है वो भी पहले की वाली कोटियों की कैसी होती है, समान होती है। देखो कैसे, अगर मेरे पास है बेटा, देखो मैं लिखता हूं यहां पे ए बार एल एम, और नीचे क्या ले लो एन, क्या ले लिया एल एम और एन, इसको लिखो, इसको कैसे लिखते हैं हम, तो आएगा डेल एक्स बार एल, आप उनमें इसके लिए क्या आएगा डेल एक्स पी, एल के लिए पी ले लिया हमने। अगला क्या आएगा दो डेल एक्स बार एम, आप उनमें क्या आएगा बताओ, डेल एक्स बार एम, आप उनमें बेटा अपने पास आ गया ये डेल एक्स एम के लिए क्यों आ गया। लास्ट क्या आएगा अपने पास, जो मान आएगा, दो तो प्रतिचर प्रदिश थे, एक कैसा था सहचर प्रदिश, तो सहचर प्रदिश के लिए मान उल्टा होगा, यानी कि डेल एक्स आर अपॉन में डेल एक्स बार एन। बेटा इसको क्या लिखोगे, ए पी क्यू आर, ये लिखेंगे। अब अपने पास एक प्रदिश हो रहा है और वो है बी, जिसके लिए भी मान है एल एम, और तीसरा मान क्या है एल, होगा क्या लिखोगे बेटा डेल एक्स बार एल, पहले पद के लिए क्या आ गया, दूसरे के लिए क्या आएगा डेल एक्स बार एम अपॉन में क्या आ गया डेल एक्स, हो गया, और तीसरा मान क्या आएगा अपने पास डेल उल्टा होगा क्योंकि सहचर प्रदिश है, तो अपॉन में डेल एक्स बार एम। आगे क्या लिखोगे बी पी क्यू और लास्ट में आर। बेटा ये हम पढ़ चुके हैं पहले प्रतिसरों में, ठीक है, प्रतिसर में और सहचर में सारे पढ़े हैं, किस हिसाब से उनको प्रदर्शित किया जाता है ये हमने सारा वहां पर पढ़ा, ठीक है। अब यहां पर देखो दोनों है, इसको दे दो आप समीकरण नंबर एक और इसको आप दे दो समीकरण नंबर दो। बेटा क्या करो, समीकरण एक प्लस में दो करो, एक प्लस में दो करने करो, एक प्लस दो क्या आएगा अपने पास, ये आया ए बार एल एम एन प्लस में बी बार एल एम एन, हो गया। जो आपने यहां से मान आई, ये मान देखो क्या है डेल एक्स बार एल अपॉन में डेल एक्स पी डॉट डेल एक्स बार एम अपॉन में डेल एक्स क्यू डॉट डेल एक्स आर अपॉन में डेल एक्स बार एन। बेटा ये दोनों में से देख लो कॉमन आ जाएगा, दोनों में से, तो दोनों में से क्या आ जाएगा कॉमन, जोड़ोगे तो अपने पास लास्ट में क्या बचा ए पी क्यू आर प्लस बी पी क्यू आ गए। तो यहां से इसको आप क्या लिख सकते हो, तो इस दोनों को एक मान के लिख दिया सी बार एल एम एन, तो यहां पर मान क्या आएगा डेल एक्स बार एल अपॉन में डेल एक्स डॉट डेल एक्स बार एम अपॉन में डेल एक्स डॉट
डेल एक्स आर अपोन में क्या आएगा डेल एक्स बार, और इसको लिखा था सी पी यू आर, मतलब समान प्रदेशों की कोटियों को आपस में हम जोड़ सकते हैं। तो ये जो हमने लिखा था ये हो गया यहां से, इसका मतलब इसको आप इसी प्रकार से लिखोगे और इसका मान इसके बराबर है। तो बेटा दो समान कोटियों के प्रदेशों को आपस में क्या कर सकते हैं, हम जोड़ सकते हैं। ये तो हो गई योग संक्रिया। अगर बेटा योग संक्रिया के अलावा हम बात करते हैं तो दूसरी कौन सी आएगी, व्यकलन संक्रिया यानी कि घटा संक्रिया। और घटा संक्रिया में क्या होगा अपने पास, देखो व्यकलन संक्रिया, व्यकलन संक्रिया। अब व्यकलन संक्रिया में होता क्या है, अपने पास जोड़ की बजाय क्या कर दो, घटा दो। तो यहां पर माना इस बार पिछले बार सी मान लिया था, इस बार इसको क्या मान लो डी मान लो, क्या हो गया ये डी। बात वही है कि अगर दो प्रदेशों की कोटियां समान है तो उनको आपस में क्या कर सकते हैं, हम घटा सकते हैं। पहले वाले को इस प्रकार से लिखा, दूसरे को इस प्रकार से, इस बार क्या कर दो समीकरण एक माइनस क्या कर दो, दो कर दो। तो अपने पास जो मान आएगा वो किसका आएगा, घटाने वाला आ गया, और सी की जगह पर केवल हमें क्या लिखना है डी लिखना है। इसका मतलब क्या हुआ कि दो ऐसे प्रदेश जिनकी कोटियां समान है उनको हम आपस में जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, और जो नया प्रदेश हमें जोड़ने और घटाने के बाद प्राप्त होता है उसकी कोटि पहले वाले सदिशों की कोटि की कैसी होती है, समान होती है। तो ये हो गई अपनी व्यकलन संक्रिया। बड़ा इसके बाद आएगी गुणन संक्रिया। गुणन संक्रिया में अपने दो होते, एक होता है बाह्य गुणनफल और एक होता है आंतरिक गुणनफल। पहले मैं बात करूंगा बाह्य गुणनफल की, बाह्य गुणनफल। तो देखो बाह्य गुणनफल में होता क्या है, बाह्य गुण, बाह्य गुणनफल का मतलब क्या है, अगर मान लो अपने पास दो प्रदेश हैं, उन दोनों प्रदेशों को आपस में गुणा किया जाता है तो जो उत्तर आएगा उस उत्तर में कुल जो प्रदेशों की कोटि होगी वो सभी कोटियों की योग की कैसी होगी बेटा, बराबर होगी। कैसे, अगर मान लो मेरे पास है यहां पर मान ए बार पी क्यू आर डॉट बी बार एस टी, तो इनको जब हम आपस में जोड़ेंगे तो जो उत्तर आएगा कुछ भी ले लो, सी ले लो डी ले लो कोई भी एक मान ले लो, तो जो आंसर अपने पास आएगा उसकी जो कोटियां होंगी बेटा वो क्या होंगी, पी क्यू एस आर टी, मतलब जो प्रतिचर प्रदेश था उसके साथ गुणा हो गया और जो सहचर प्रदेश था वो सहचर के साथ गुणा। कोटि की बात करते हैं, इसकी गुणा करने से पहले कोटि कितनी थी, तीन, इसकी कितनी थी बेटा दो, और तीन प्लस दो कितनी होगी पांच, तो आंसर में आ गई पांच। तो यही होता है अपना कौन सा बाह्य गुणनफल, कि अगर दो प्रदेशों को हम आपस में गुणा करते हैं तो गुणा के पश्चात जो योग हमें आंसर प्राप्त होता है उसमें प्रदेशों की कोटि गुणा से पहले वाले प्रदेशों की कोटियों के योग की कैसी होनी चाहिए, बराबर। अगर इसको करो बेटा कैसे करोगे, इसको ए और बी है अपने पास तो क्या ले लोगे, पहले वही ले लो ए बार एल एम और ये हो गया एम, ठीक है। या देखो अपने पास पांच है इस बार तो क्या ले लो ए बार आई जे और ये हो गया, इसको कैसे लिखोगे डेल एक्स बार आई, क्योंकि प्रतिचर है अपोन में डेल एक्स दो, क्या आएगा अपने पास ये आएगा डेल एक्स बार जे अपोन में डेल एक्स क्यू। अब आ गया सहचर मतलब उसका उल्टा, और उल्टे में कैसे करोगे बेटा, ये आया डेल एक्स आर अपोन में डेल एक्स बार के, और इनटू में क्या आएगा ए पी क्यू, समीकरण नंबर क्या हो गया एक, वही हुआ है। अगले में क्या आएगा, अगले में लिखोगे बी बार आई जे के हो गया, अब ले लो एल और एक ले लो एम हो गया। इसके लिए क्या आएगा मान डेल एक्स बार एल अपोन में डेल आर तक के मान आगे, अब ले लो एस का और टी का, तो क्या आएगा डेल एस डेल एक्स एस डोट, यहां पे मान क्या आएगा डेल एक्स बार ना उल्टा होगा ना, क्योंकि ये कौन सा है सहचर प्रदेश, तो क्या आएगा अपने पास मान डेल एक्स टी अपोन में डेल एक्स बार है, और यहां पे मान क्या आएगा बी, देखो ऊपर कौन सा आएगा एस और नीचे आ गया टी, समीकरण नंबर दो। बेटा करना क्या है, समीकरण एक गुणा में दो कर दो, क्या आएगा ए बार
आई जे के, ना के आएगा बोन में, डोट यहां से मान के आएगा अपने पास, जब करोगे तो ये आएगा बी बार एल एन बराबर, यहां से आया डेल एक्स बार आई अपोन में डेल एक्स पी डोट, डेल एक्स बार जे अपोन में डेल एक्स क्यू डोट, डेल एक्स आर अपोन में डेल एक्स बार के डोट, डेल एक्स बार एल अपोन में डेल एक्स एस डोट, डेल एक्स टी अपोन में डेल एक्स बार एन, और इन टू में आ गया ए पी क्यू आर डोट बी एस पी। बेटा देखो इनको आपस में लिखो, इसको आप कैसे किस प्रकार से लिखोगे, तो अपने पास जो मान आएगा इस तरफ का हमने लिखा, देखो ऊपर वाले एक साथ लिखोगे तो क्या आएगा आई जे और एल, आगे तीनों प्रतिचर प्रदिश एक साथ लिख दिए और जो सहचर प्रदिश थे वो एक साथ लिखो, क्या है के और एल बराबर, जो अपने पास मान है इस मान के अनुसार देख लो इसको क्या लिखोगे आप, तो ये आएगा डेल एक्स बार आई अपोन में डेल एक्स पी डोट, डेल एक्स बार जे अपोन में डेल एक्स क्यू डोट, डेल एक्स बार एल अपोन में डेल एक्स, एल के लिए क्या था अपने पास एस था तो ये आ गया एस डोट डेल, वापस करना पड़ेगा उल्टा, ये तीन हो गए प्रतिचर वाले, किसका नंबर है सहचर का नंबर, तो सहचर में क्या आएंगे उल्टा होगा, उल्टे का मतलब देखो अब आएगा डेल एक्स आर अपोन में डेल एक्स बार के डोट, डेल एक्स एम अपोन में एम नहीं आएगा पी क्यू आर एस टी आएगा, और ये होगा डेल एक्स बार आगे क्या है अपने पास, और ये हो जाएगा सी पी क्यू एस और ये हो गया आर टी। तो इसका ये होता है बेटा भाई ये गुणनफल कि दो प्रदिश हैं उनको आप गुणनफल कर सकते हैं, और जो उत्तर आएगा उस उत्तर में जो कोटियां होंगी उस गुणनफल से पहले की कोटियों के योग के बराबर होंगी। तो देखो तीन प्लस दो पांच और वही अपने पास आए। बड़ा अगला होता है इसके बाद प्रदिशों का संकुचन, आंतरिक गुणनफल को समझने से पहले हमें प्रदिशों का संकुचन पता होना चाहिए कि प्रदिशों का संकुचन होता क्या है। तो प्रदिशों के संकुचन को समझो, प्रदिशों का संकुचन, तो देखो प्रदिशों के संकुचन में होगा क्या कि अगर अपने पास एक कोई भी प्रदिश मिश्रित प्रदिश की बात करेंगे, उस मिश्रित प्रदिश में क्या क्या होगा, प्रतिचर प्रदिश होगा और दूसरा कौन सा होगा सहचर प्रदिश होगा, तो उस मिश्रित सदिश में जो प्रतिचर है और जो सहचर है अगर उनमें एक कोई भी मान हम समान करते हैं, मतलब एक प्रतिचर प्रदिश का मान एक सहचर प्रदिश के कैसे हो गया बराबर हो गया, तो ऐसी स्थिति में होता क्या है वो मूक सूचकांक बन जाता है। कौन सा सूचकांक बनता है वो मूक सूचकांक, मतलब जो उत्तर आपका आएगा जो हमें वहां से मिलेगा वो थोड़ा सा संकुचित हो जाएगा, और इसको कहते हैं प्रदिशों का संकुचन। और संकुचन में होगा क्या कि जो आंसर हमें मिलता है उसमें प्रश्न की तुलना में दो कोटि कम होती है, क्योंकि समान आएगा तो नीचे की कोटियां हटती है और कितनी कोटियां कम प्राप्त होती है, दो कोटियां कम प्राप्त होती है। कैसे देखो इसका अपने पास समझने के लिए देखो, अपने पास बेटा एक है ए बार एल एन, या इसको क्या लोगे वो ले लो आई जे के ले लो, और अगले में क्या ले लो ये हो गया आई जे और के, इसको क्या लिखोगे डेल एक्स बार क्या आएगा आई जे के ऊपर ले लो और एल एन ले लो नीचे, हो गया आई जे के अपोन में एल, तो यहां से मान आएगा डेल एक्स बार आई अपोन में डेल एक्स पी डोट, डेल एक्स बार आई ना आई के बाद क्या आएगा जे अपोन में डेल एक्स पी डोट, डेल एक्स बार के अपोन में डेल एक्स आर, हो गए ऊपर वाले तीन प्रतिचर वाले। अब नंबर किसका आएगा सहचर का, सहचर में हम क्या करेंगे इसका उल्टा कर, क्या आएगा यहां पर आएगा डेल एक्स एल अपोन में एल के लिए क्या आएगा पी क्यू आर एस आएगा, तो डेल एक्स एस अपोन में डेल एक्स बार एल डोट, डेल एक्स टी अपोन में डेल एक्स बार एल, और आगे क्या लिखोगे ये आ गया ए
पी क्यू आर एस। इसको देखो क्या करेंगे, यहां पर हमें करना क्या है, एक प्रतिचर प्रदिश की कोटि किसके बराबर करनी है, एक सहचर प्रदिश की कोटि के। तो माना यहां आर बराबर टी करने पर, आर को किसके बराबर कर दो, टी के बराबर कर दो, तो देखो मान क्या आएगा, ए बार आई जे के एल एन बराबर डेल एक्स बार आई अपॉन में डेल एक्स डॉट डेल एक्स बार जे अपॉन में डेल एक्स क्यू डॉट डेल एक्स बार के अपॉन में डेल एक्स आर। आगे का मान देखो, डेल एक्स एस अपॉन में डेल एक्स बार एल डॉट एक्स की जगह इतना टी की जगह पर क्या लिखोगे, आर लिखो अपॉन में डेल एक्स बार एम। और यहां पे मान आएगा ए पी क्यू आर एस हो गया। अब आगे देखो बेटा, डेल एक्स आर से क्या कट गया, डेल एक्स आर कट गया आपस में, तो क्या लिखोगे, ए बार आई जे के एल एन बराबर डेल एक्स बार आई अपॉन में डेल एक्स पी डॉट डेल एक्स बार जे अपॉन में डेल एक्स क्यू डॉट डेल एक्स बार के। बेटा नीचे का कट गया, इसका भी कट गया, उसके लिए ले दो, इसका बचा हुआ क्या आया, डेल एक्स बार एन डॉट डेल एक्स एस अपॉन में डेल एक्स बार। और यहां पर देखो, ऊपर और नीचे का समान है, मतलब मुख सूचकांक, तो बेटा नीचे का क्या होगा, काम आर से आर खत्म हो जाएगा, दो कोटियां, तो अपने पास क्या बचेगा, केवल ए पी क्यू और ये क्या हो गया एस, मतलब ये दोनों कोटियां कैसी हो गई, आर से आर खत्म हो गई, तो दो और एक नीचे बची कितनी। अब यहां पर इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे, ए बार आई जे के एल एन बराबर डेल एक्स बार आई अपोन में डेल एक्स डॉट डेल एक्स बार जे अपोन में डेल एक्स। बेटा यहां पर देखो, डेल एक्स बार अपोन में डेल एक्स बार, इसको लिखते हैं डेल्टा से, ये हमने पढ़ा था क्रोनेकर डेल्टा में, ये क्या होगा के एम और ये हो गया बार, वहां पर था डेल एक्स आई अपोन में डेल एक्स जे, ये तो ऐसे लिखते थे, और बार है तो हमने यहां पर क्या लगा दी इसकी बार। आगे का मान क्या आएगा, डेल एक्स एस अपॉन में डेल एक्स बार एल डॉट ए पी क्यू एस। इसको आगे सोल्व करो, देखो यदि के बराबर एम के हो, के को किसके बराबर ले लो, एम के, तो अपने पास मान क्या आएगा, ये है अपने पास ए बार आई जे के और नीचे क्या है एल एम, ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा, डेल एक्स बार आई अपॉन में डेल एक्स पी डॉट डेल एक्स बार जे अपोन में डेल एक्स क्यू डॉट डेल्टा बार एम और एम हो गया, क्यों, क्योंकि के किसके बराबर है, एम के, और लास्ट में क्या आएगा बेटा, डॉट डेल्टा एक्स अपोन में डेल एक्स बार एल और लास्ट में आएगा ए पी क्यू एस। आगे बेटा हमने पढ़ा है पहले डेल्टा आई जे बराबर वन, और ये कब होता है, जब आई बराबर किसके होता है, जे के, तो रख दो यहां पे क्या आएगा, ए बार आई जे के एल एम बराबर डेल एक्स बार आई अपोन में डेल एक्स पी डेल एक्स बार जे अपोन में डेल एक्स क्यू डॉट, इसका मान एक हो गया, तो आगे क्या होता है, डेल एक्स एस अपोन में डेल एक्स बार एल ए पी क्यू और ये हो गया एस। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था कि अगर मान लो प्रदिशों का संकुचन किया जाता है, संकुचन में क्या करते हैं, एक प्रतिचर प्रदिश की कोटि को किसके बराबर कर देते हैं, एक सहचर प्रदिश की कोटि के बराबर, जब हमने बराबर किया तो ऐसे में क्या होता है, जो प्रदिश था वो पहले की बजाय संकुचित हो जाता है, मतलब छोटा हो जाता है, और उसमें कमी कितनी आती है, दो कोटियों की उसमें क्या आती है बेटा, कमी आती है। शुरुआत हमने की एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, कितनी कोटियां थी, पांच, और पांच थी दोनों तरफ, यह अपना सवाल था, आंसर में देखो हमने क्या किया, ये जो एक है आर को किसके बराबर किया, टी, मतलब आर बराबर टी, एक प्रतिचर को एक सहचर के कैसा कर दिया, बराबर कर दिया, आर और टी वाला हो गया बराबर। ऐसी स्थिति में जब हमने सोल्व किया तो लास्ट में उत्तर क्या आया, पी क्यू एस, पहले कितनी थी, एक दो तीन चार पांच, और बाद में कितनी आई, एक दो तीन, मतलब पहले पांच कोटी थी और बाद में कितनी कोटी होगी अपने पास, तीन कोटी होगी,
इसका मतलब बेटा संकुचन हो गया प्रदेशों का, 5 से 3 पे आगे मैंने कहा था कम से कम कितनी होती है 2। इसके बाद अपना बेटा अगला जो टॉपिक आता है वो होता है आंतरिक गुणनफल। आंतरिक गुणनफल बहुत आसान है, उसमें ऐसा कुछ नहीं करना, क्योंकि तो आंतरिक गुणनफल में होता क्या है कि जो अपने पास दो प्रदेश है, कौन से प्रदेश है, दो प्रदेश होंगे, उन दोनों प्रदेशों का पहले क्या करो, बाह्य गुणनफल करो। बाह्य गुणनफल का मतलब क्या होगा बेटा कि उत्तर से पहले की कोटियों का योग उत्तर के बाद के कैसा होगा बराबर। पहले तो हमने उनका किया बाह्य गुणनफल, और बाह्य गुणनफल करने के बाद उनको संकुचित कर दो। क्या कर रहे हैं, उनको संकुचित कर दो, मतलब दो प्रदेश जो हमें दिए होंगे सबसे पहले उनका बाह्य गुणनफल करो, बाह्य गुणनफल के बाद जो मान आएगा वो अधिक आएगा, उसको फिर संकुचित कर दो। संकुचित करने का मतलब क्या है, उसका मान कम हो जाएगा और जो उत्तर हमें प्राप्त होगा वो आंतरिक गुणनफल कहलाता है। क्या कहलाता है वो, आंतरिक गुणनफल। तो आंतरिक गुणनफल में होगा क्या कि जब दो प्रदेशों का बाह्य गुणनफल करने के पश्चात जब उनको संकुचित किया जाता है तो जो मान हमें प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, आंतरिक गुणनफल कहलाता है। ठीक बेटा, इसके बाद आएगी भागफल संक्रिया, वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक है।